रायगढ़ जिले की पूंजीपतरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रजनी कसेर नामक महिला के कब्जे से कुल 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। जगदलपुर शहर के डिमरापाला मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से बदसलूकी होने के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल एक मरीज के दोस्तों ने अस्पताल में ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर से बदसलूकी की है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी की दुकान में एक युवक घुस गया और शराब पीने के लिए रुपए की मांग करने लगा। व्यापारियों के मना करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया और गले से 1500 रुपए लूट लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में महज 200 रुपए के लेनदेन के विवाद पर रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष हो गया। फूफा व उसके दो बेटों ने मिलकर चाकू से हमला कर भतीजे की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की तमनार थाना क्षेत्र स्थित जांजगीर जंगल में छिपने भाग रहे चोर का मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए पुलिस ने इस चोर को पकड़कर उसके घर से लगभग 2 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि नेत नगर के जंगल में कुछ लोग महुआ शराब बना रहे हैं। सूचना पर चौकी से आरक्षक को लेकर टीआई उत्तम साहू नेत नगर के घने जंगल में पहुंचे। अवैध रूप से महुआ शराब बनाने महुआ बोरी में इकट्ठा कर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। बलौदा बाजार की आबकारी विभाग की टीम ने सुहेला से हथबंद मार्ग में खिलौरा ग्राम के पास नाका लगाकर आरोपी दिलीप चौधरी के आधिपत्य से बोलेरो डीआई वाहन में 50 गत्ते कार्टून में 50-50 नग कुल 2500 देसी पौवा जब्त किया है। जिला प्रशासन के द्वारा अवैध धान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी पेंडरा रोड के निर्देशन में परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर ऋचा चंद्राकर, नायब तहसीलदार अविनाश कुजूर, पटवारी अरविंद बंजारे के द्वारा कुल 316 बोरी अवैध धान को एवं वाहनों को जब्त किया है। बीरगांव में इकराम अहमद को सभापति बनाने का आश्वासन देकर सभापति नहीं बनाए जाने पर हंगामा हो गया। वार्ड नंबर 28 में कार्यकर्ताओं ने पंकज शर्मा का पोस्टर फाड़ दिया, कांग्रेस के झंडे फाड़ दिए, झंडे को पैर से कुचला गया। जांजगीर में एक पटवारी ने किसान से जमीन नामांतरण के बाद पर्ची अलग करने के लिए 3000 रुपए मांगे। किसान ने पहले मना किया तो उसे पेशी के लिए बार बार चक्कर लगवाने लगा। तंग आकर किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस ने पुरानी रंजिश में चाकूबाजी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम तेजस उराव और रामायण निषाद है। दोनों शुभम विहार मंगला के रहने वाले हैं। रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत स्थित ऑक्सीजन गार्डन के पास चार पहिया वाहन में सवार होकर सट्टा का संचालन कर रहे दो युवकों को पकड़कर उनके बताए अनुसार तेलीबांधा से दो और सटोरियों को पकड़कर नगद व सट्टा पट्टी जब्त की है। कोरबा जिले के दीपका में नियोजित ठेका कंपनी द्वारा बचे मजदूरों को काम पर नहीं रखने से भू विस्थापितों में नाराजगी बढ़ गई। प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि समस्या का निदान नहीं होने पर 11 जनवरी को साइलो का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान से गाजर लेकर उड़ीसा जा रहा ट्रक राजनांदगांव नेशनल हाईवे में चिचोला के रानी तालाब के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटियां लगी हैं। बिलासपुर में अपने ही स्टाफ की मोटरसाइकिल लेकर फरार आरोपी को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मोटरसाइकिल चोरी के बाद आरोपी काम पर जाना बंद कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। कोरोना की तीसरी लहर से जिले को सुरक्षित रखने अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को सीआरपीएफ और पुलिस अफसरों की बैठक ली। यहां उन्होंने कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर मेले में उमड़ रही लोगों की भीड़ और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू होने के बाद मंगलवार को शाम जिला मुख्यालय में आयोजित वार्षिक मेले को बंद करा दिया गया। सोलर व बोर पंप में लगे केबल चोरी की घटनाओं से किसान हलाकान है। आए दिन हो रही चोरी से उन्हें भारी नुकसान होने लगा है। धमतरी जिले के 3 गांवों के पीड़ित किसान एसपी कार्यालय पहुंचकर अज्ञात चोरों को पकड़ने की मांग की है। सालों बाद भी धमतरी स्थित श्याम तलाई थोक सब्जी मंडी का बेहतर ढंग से व्यवस्थापन नहीं हो पाया। यही कारण है कि यहाँ के व्यवसायी समस्या को लेकर परेशानी बताते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व हुई बारिश के कारण यहाँ पर रोड की हालत बहुत ही खराब है और यहाँ कीचड़ से सना हुआ है। गरियाबंद नगर पालिका अधिकारी संतोष विश्वकर्मा के नेतृत्व में पालिका कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण रोकथाम हेतु मंगलवार को नगर पालिक भवन के पास मास्क न लगाने वाले और लापरवाही बरतने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा जिला बड़ौदा बाजार में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन बिजली ऑफिस गेट के सामने किया गया। साथ ही अधीक्षण यंत्री बड़ौदा बाजार को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अस्पताल दुर्ग में 68 रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती में जीवन दीप समिति के अंतर्गत संविदा में काम कर रहे कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वो 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटघोरा थाना अंतर्गत कबाड़ियों के हौसले इतने बुलंद है कि इस थाना क्षेत्र में एक या दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन अवैध कबाड़ व्यवसाय का संचालन होता चला आ रहा है।